हेलो एवरीवन, हमारा चैनल पिगमेंटेशन वाले बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उस तरह से हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों की जो पिगमेंटेशन इश्यूज को डील कर रहे हैं। पिगमेंटेशन के इश्यूज के लिए हर कोई नई नई रेमेडीज ढूंढना चाहते हैं एंड आज मैं आपके लिए कुछ DIY रेमेडीज लेके आई हूँ स्ट्रेट फ्रॉम योर किचन। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद पीपल हु माइट जस्ट नीड इट। So the first remedy is a wild turmeric and a milk remedy. So wild turmeric, it's आपका घर वाला turmeric नहीं होता, ये थोड़ा सा organic turmeric होता है, इसके अंदर कुछ भी mix नहीं होता। और turmeric की क्या property होती है कि तो antibacterial है, इसके अंदर जो curcumin होता है वो anti-inflammatory भी होता है। इसको हम mix करेंगे milk के साथ। अब मिल्क में क्या है, मिल्क में लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड बहुत हाइड्रेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है स्किन के ऊपर। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आएगा, एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट आएगा और आपकी पिगमेंटेशन में भी रिडक्शन दिखती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मेक श्योर कि आप इस पैक को एटलीस्ट वंस अ डे लगाएं एंड फिर देखें कि आपको कैसा फील होता है। जब आप इस पैक को लगाएंगे थोड़ी सी स्टिंगीनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ दी टर्मरिक, वो नेचुरल है पर वो थोड़े टाइम में सेटल हो जाती है। सेकेंड है हमारा पोटैटो एंड लेमन का एक पैक। अब पोटैटो बहुत जगह आपने सुना होगा कि पोटैटो में बहुत सारे लोग आईज के नीचे लगाते हैं कि उससे अंडर आई डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएं। बेसिकली एक यूनिक तरह का पोटैटो होता है, एक अफ्रीकन पोटैटो होता है जिसके अंदर कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो उस डिस्कलरेशन में हेल्प करते हैं, बट अब वो तो लाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप यूज़ कर सकते हैं पोटैटो का, नॉर्मल जो आपको पोटैटो है उसका जूस यूज़ कर सकते हैं एंड लेमन का जूस यूज़ कर सकते हैं। अब लेमन के अंदर हमारा होता है सिट्रिक एसिड और पोटैटो के अंदर होते हैं हमारे फिनोलिक एसिड्स, चार पांच तरह के फिनोलिक एसिड्स होते हैं और साथ में सिट्रिक एसिड भी होता है। तो ये जो पैक है ये थोड़ा एसिडिक पैक होता है क्योंकि स्किन का पीएच भी एसिडिक है तो एकदम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये पैक मैं उनके लिए रेकमेंड नहीं करूँगी जिनकी बहुत ड्राई स्किन है या जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है। उनके लिए ज़रूर अच्छा है जिनको एक्ने वाले मार्क्स हैं और जिनकी स्किन में ऑयल ज़्यादा है, वो इस पैक को प्रेफर कर सकते हैं। अगेन आप इसको ऑल्टरनेट डे लगा सकते हैं, रोज़ मत लगाइए, ऑल्टरनेट डे लगाइए एंड इसके बाद ज़रूर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक आपको लगाना ही है। थर्ड मेरी रेमेडी है सैंडलवुड एंड राइस वाटर की। अब सैंडलवुड बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है और साथ ही राइस वाटर के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। राइस वाटर के अंदर बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे आइनोसोटॉल जैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो स्किन को एकदम रिपेयर एंड रीजनरेट करते हैं। इसको जब आप सैंडलवुड के साथ मिला के अपने फेस पे लगाते हैं तो इफ़ेक्ट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये हर स्किन टाइप पर सूट कर सकता है, इसको आप रोज़ लगा सकते हैं एंड आप एटलीस्ट 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करिए टू सी द इफ़ेक्ट। अब ये जो मैंने आपको 3 DIY रेमेडीज़ दी हैं इसमें मैंने स्पेशली बताया है कि कौन सी स्किन टाइप को क्या लगाना चाहिए, तो ज़रूर उसका ध्यान रखिए। ये नहीं कि ट्राई करने के लिए आप हर ऑल्टरनेट डे कभी ये लगा रहे कभी वो लगा रहे, नहीं, उससे प्रॉब्लम हमेशा बढ़ेगी। कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी क्रिएट करनी है स्किन के लिए, तो आप एक फेस पैक लगाइए, उसे रोज़ लगाइए या ऑल्टरनेट डे लगाइए लेकिन कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स तक लगाइए, तभी आपको अपनी स्किन में कुछ चेंज होता हुआ मिलेगा। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स ये कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है जब हम स्किन केयर की बात करते हैं। साथ ही साथ आप अपना मॉइस्चराइज़र और अपना सनस्क्रीन बिल्कुल मत भूलिएगा लगाना इन DIY रेमेडीज के साथ। तो ज़रूर मुझे बताएगा किसने क्या क्या ट्राई किया और कैसा रिजल्ट आया। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।